गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज फिर से मैं यहाँ और आपकी प्यारी पू, मेरी प्यारी बहन यहाँ पे नहीं है। और आज मैं एक धमाकेदार वीडियो बनाने जा रही हूँ जो सबके लिए धमाकेदार है, इनफैक्ट मेरे लिए भी। सो मैंने आज फैसला लिया कि मैं अपने इन सुंदर रेशमी बालों को कट करने जा रही हूँ। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही थी कि इतने लंबे बाल हैं, जैसे कि आप सबने नोटिस किया होगा मेरी सभी वीडियोस में कि जो मेरे बाल हैं वो काफ़ी लंबे हैं। सो मैं कब से सोच रही थी कि मैं बालों को कट करूं। और जो मेरी बहन है पू, आपकी प्यारी, उसको भी नहीं पता है कि मैं बाल काटने जा रही हूँ। तो मैं सीधा उसको एक शॉक देने वाली हूँ। अपने घर वालों को भी अभी नहीं पता है, आई डोंट नो उनका कैसा रिएक्शन होगा, वो क्या करेंगे। इनफैक्ट मुझे खुद बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। बट मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यार इन लंबे बालों से, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो भाई मैंने अब बाल कट करने हैं। सो सबसे पहले तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मेरे बाल हैं उनकी कितनी लेंथ है और क्या है। तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या होने वाला आज। अभी आपने देखा कि जो मेरे बाल हैं कितने खूबसूरत और लंबे बाल हैं, और अब मैं इनको कट करूंगी। बहुत बहुत डर लग रहा है। यस यस, मैं करूंगी। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया। ओह माय गॉड, मैंने कुछ ज्यादा ही बाल काट दिए, और वो भी पता नहीं क्या किया है मैंने यार। मैं आपको बाल दिखाती हूँ। जो करना था वो मैंने कर दिया है। अब आई डोंट नो घर वाले क्या रिएक्शन करेंगे, बट अभी मैं उनको दिखाऊंगी। मुझे बहुत चस्का चढ़ा हुआ था अपने बाल काटने का। एनीवेज, अब जो हो गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो चलो अब मुझे देखो दिखाते हैं। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसको दिखाते हैं। आई कट माई हेयर, यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये क्या किया यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी बहुत डांटेंगे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ यार। तू पागल हो गई, मतलब तूने क्या सोच के, क्या मतलब क्या था ये, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तू गई, तू आज बहुत पिट।
यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैंने सिर्फ इसको दिखाया और ये मुझे इतना पहले डरा रही है कि मम्मी क्या बोलेंगे। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं यार। तुझे क्या जरूरत पड़ी अपने बालों को काटने का, मतलब क्या था? मैंने सोचा कट कर देती हूँ, इतने टाइम से मैंने कट नहीं किया। कर लिया कट, मिल गया चैन है, मिल गया चैन। क्या सोच के तूने बाल काटे? मुझे बता देती कि मेरे बाल काट दो या कुछ भी, या बाहर जाते सैलून में जाते, वहाँ पे कट करवाते। खुद घर पे क्या मतलब? मैं नहीं कट करना चाहती थी इतने छोटे। अब मम्मी को क्या बताएगी? ये तेरे बाल वो देखेंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा उनका? अभी जस्ट मैंने अपनी बहन को दिखाया और उसका जो रिएक्शन था वो बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा कर रही है। और अभी मैंने घर वालों को नहीं दिखाया है। कस क्या दिखाओ यार, क्या दिखाओ? आई डिडंट कट माय हेयर। यार मैं कभी भी अपने बालों को कट नहीं कर सकती हूँ। कस आई लव माय हेयर, दिस इज प्रैंक। ये आप लोगों के साथ प्रैंक था गाइस, यस प्रैंक था। हाँ मैंने आगे से थोड़े थोड़े बाल कट किए, जो मैंने आपको दिखाए वो मैंने कट किए ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। तेरे ले ले, तेरे ले ले, तेरे ले ले, ये रहे मेरे बाल जो मैंने कट किए। देख रहे हो कितने सुंदर बाल है मेरे। कब से बोल रहे थे प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो, आ गया मजा। पैगी ठंड, ये है आपका प्रैंक। और इस प्रैंक में वो भी शामिल थी मेरी प्यारी बहन। तो आई होप आपको ये प्रैंक मज़ेदार लगा होगा, मेरी एक्टिंग आपको अच्छी लगी होगी। एक टाइम पे मैं सच में रोने लग पड़ी थी, पता है? ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैंने अपने बाल काट दिए। यार मेरे को मेरे बाल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एनीवेज आई होप आपको आज का जो प्रैंक है वो अच्छा लगा होगा। सो गाइज इस प्रैंक के लिए और मेरे खूबसूरत बालों के लिए लाइक कर दीजिए एंड या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप हमारी अच्छी अच्छी और बेहतर बेहतर वीडियोस देखते रहे और हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। अपू एंड सना के साथ जुड़े रहे। बाय।